छोटी काशी के नाम से मशहूर और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार राजस्थान की गुलाबी नगरी इस समय विवादों की सिटी बनती जा रही है। कारण है कि राजधानी के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र पुरोहितों के चौक में लगे पोस्टरों से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टरों में हिंदुओं के पलायन की बात लिखी गई थी, जिसमें वहां के स्थानीय पार्षद को संपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। दरअसल मामले की शुरुआत अजय पारिख नाम के व्यक्ति द्वारा अपना मकान किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेचने से उठा। मकान स्थानीय पार्षद के भाई ने खरीदा। लोगों का आरोप है कि पार्षद के द्वारा लोगों को डराया धमकाया जाता है। नवतेज टीवी आज पूरे मामले की पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पर उतरा और इस मामले में स्थानीय पार्षद फरीद कुरैशी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी नवतेज टीवी ने की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी, आपके साथ मैं हूं अंकुर शर्मा। कश्मीर फाइल्स मूवी हमने देखी, जिसमें रातों रात हिंदुओं ने एक समुदाय विशेष के प्रताड़ना से रातों रात वहाँ से पलायन किया था। इसी सिलसिले में जयपुर के अंदर भी दो तीन दिन पहले जो पुरोहितों का मोहल्ला है वहाँ पे पोस्टर लगे हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे, स्थानीय निवासी भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। आपका नाम? भुवनेश नाम है, संघर्ष समिति का यहाँ मोहल्ले का संयोजक हूँ। और इस मोहल्ले के जो अभी कुछ दिनों पहले एक मकान यहाँ पे ख़रीदा और बेचा गया है, उसके मोहल्लेवासी उसका विरोध कर रहे हैं सभी, और विशेष समुदाय को यह मकान बेचा है। पहले उससे हमारी बातें चल रही थी, लेकिन हमें उसने अंधेरे में रखा और उससे सौदा भी हो गया था। वो सौदा उसने वापस, हमको जो पेमेंट लिया था 2 लाख रुपए, वो वापस उसने 3 दिन बाद रिटर्न कर दिया और अंधेरे में रख के रातों रात वो यहाँ से चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स से कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि जो आपके सामने वाले पड़ोसी थे अजय पारिख, उन्होंने मकान बेचा, उनका आरोप है कि स्थानीय निवासी जो हैं वो मेरे से जलते थे, इस बात में कितनी सत्यता है आपकी? इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। वो किसी दबाववश ये बातें कर रहा है या उसको बिल्कुल इसमें कोई मेरे को लग रहा है कि उसको दबाव में या षड्यंत्र के रूप में उसको दबाव बनाकर ये सब कहलवाया जा रहा है। पूरे मोहल्लेवासी साथ है और ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि जिससे वो नाराज़ हो। उसका ये जो बात उसने कह रहा है वो मीडिया के सामने, वो बिल्कुल किसी दबाव में कह रहा है। वो स्थानीय लोग और भी मौजूद, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? रामकिशोर तोनवाल। रामकिशोर जी, ये जो आपके अजय पारिख जी हैं, इन्होंने जो मकान बेचा वो कितने में, किसको बेचा है और नाम निकल के रहा है पार्षद का, तो उसमें क्या है? पार्षद का मकान है, उनके भाई का मकान? उनके भाई का मकान है, रियल भाई का मकान उनका, लेकिन सारा इन्वॉल्वमेंट उसका पार्षद का ही है। सारा उसी का है, उसने पैसा देना लेना सारा काम उसका ही है। और विरोध हमारा नहीं था, विरोध अगर नहीं किया वो यहाँ का हमारा पार्षद है, लेकिन हमारा विरोध ये था कि जब हमारे से इस मकान मालिक के हमारे जो चर्चा चल रही है और कंटिन्यू बातचीत हो रही है, सारा फाइनल स्टेज में अमाउंट वाली बात ले भी लिया, दे भी दिया और एन वक्त तो बेच के वो चला गया। अब उसका इस तरह से कर रखा है, उसको पकड़ रखा है उसको, और उसे बयानबाजी गलत बयान दे रहे हैं, और पूरा ये पूरा मोहल्ला, बल्कि वो 2-3 मोहल्ले सबने अब सबसे प्लान के हो रहे हैं। हकीकत वाली है कि यहाँ प्लान करेंगे, जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ कोई नहीं रहने वाला। पलायन करने का मुख्य कारण क्या रहेगा यहाँ पर? किसी क्या दबाव है आपके ऊपर? नहीं सर, हमारे ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर इस एक समुदाय के लोग यहाँ पे आ गए तो क्या हमारे बच्चों पे, इन पे सब पे बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि ये एक तो हम हैं सब शाकाहारी लोग, अब ये मांस मछली वगैरह ये खाएंगे, फिर क्या इनके बच्चे वगैरह उल्टे सीधे गालियाँ वगैरह भकेंगे, तो हमारे बच्चों पर अलग बुरा असर पड़ेगा इसका, तो फिर क्या हम क्या करें, हमको भी यहाँ से पलायन करना पड़ेगा फिर। अब ऐसे माहौल में बच्चों को थोड़ी ना रहने देंगे हम। लोकतंत्र है, किसी को, हर किसी व्यक्ति को कहीं भी निवास करने का अधिकार है। ये इन्होंने मकान खरीदा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है इस मकान से? हमारे को ये दिक्कत है कि भाई ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हो जाए, और ये चक्कर है क्योंकि संवेदनशील एक ही परिवार है और यहाँ पर बहुसंख्यक के हिंदू है, तो आपको क्या ऐतराज है इन लोगों से? ऐतराज मुस्लिम और हिंदू समुदाय का नहीं है,
इसमें ये वेजिटेरियन हम सब हिंदू और यहाँ पे ब्राह्मण जाति के बहुत से लोग इसी चौक में रहते हैं, बहुल्य वो है, हिंदू इलाका है। इसमें मांस और ये इनका सेवन करते हैं, जो हमारे धर्म भ्रष्ट होने की हमारी एक सबसे पहले तो ये स्थिति ही बनती है कि धर्म भ्रष्ट हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो रास्ते में मंदिर भी पड़ते हैं और उसी रास्ते में से हमको निकलना पड़ता है। तो कई बार इनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो ये रोड पे ही पूरा टेंट वेंट लगा के व्यवस्थित करके उसको खाना पकाते हैं, उसके बाद उसको सुबह ऐसे कि ऐसे छोड़ के चले जाते हैं तो वो हड्डियाँ और मांस के टुकड़े हमारे रास्ते में आते हैं और पैरों के नीचे आते हैं। तो इसी वजह से ये हम इसको इसका विरोध भी कर रहे हैं और हम चाहते भी नहीं हैं। कुछ स्थानीय महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये जो पोस्टर लगे हैं इनमें पार्षद का नाम दिया हुआ है, तो पार्षद की क्या ऐसी प्रताड़ना है जिससे आप ये मोहल्ला छोड़ के कहीं और प्लान करने वाले हैं? ये है कि आए ये लोग आते थे, रोज आते थे, हमें कोई एलर्जी नहीं थी, देखते थे। अब क्या है, मेरा ऊपर मकान है, तीसरी फ्लोर पे है, तो मेरे को तो पूरा सारा दिखेगा। तो इनके तीन चार लड़के आए तो मैं बाहर मेरे बच्चों के बर्तन वगैरह लेके बाहर जा रही थी, तो सीधे डायरेक्ट कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, उसके बाद में बोल रहा है गालियाँ देके, ये है ऐसे ऐसे उंगली करी। तो मेरे को क्रोध आया, मेरे ऊपर क्यों कर रहा है भाई तू? गाली कौन दे रहा था, पार्षद दे रहे थे या फिर उनके जो परिवार वाले हैं वो दे रहे थे? परिवार वाले थे, हम तो इनका नाम भी नहीं जानते हैं, कौन कौन से नाम है क्या नहीं, इनकी शक्ल भी नहीं जाने। पर उस दिन तो बाद में मैंने शक्ल देखा उसने, मतलब ऐसे, और मेरी जाति को भी खाने, तो जाति भी खाने का मतलब क्या होता है भाई साहब? खटीक बोला, खटीक मतलब मैं खटीक हूँ। आपको जाति सूचक शब्द कह के उन्होंने खटीक बोला और कि आप जो पारिक से आपको खटीक बोला? आपको मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि गालियाँ इतनी गंदी गंदी गालियाँ, कैसे बताऊंगी आपको, गालियाँ बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। इसी मामले में ये सारा काम हुआ है। गाली देने का मुख्य कारण क्या था आपका? ये पता नहीं उसने क्यों दिया क्यों नहीं दिया, मुझे क्या पता, ये तो बात उसी को पता पड़ेगा भाई, गाली में क्यों दिया क्यों नहीं दिया। उनका नाम भी सामने आया। कुछ स्थानीय और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या एतराज है आपके पड़ोसियों से? हमारे पड़ोसियों से एतराज ऐसा है कि सब यहाँ पर रहने लग जाएंगे तो यहाँ पर फिर बाहर ही, घर के बाहर ही इनका खाना बनना करना, सब गंदगी फैलना, ये इनके तो गंदे मांस मदिरा वगैरह। हम लोग पूजा, हिंदू धर्म की महिलाएं हम लोग पूजा पाठ के लिए मंदिर जाते हैं, गंदगी रास्ते में पड़ी रहेंगी, पैरों में आएंगी, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा और इससे ज़्यादा और क्या होगा। और ये इनके बच्चे बिना गालियों के तो बात ही नहीं करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देके आपसरी में बात करते हैं, तो इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे सुन सुन कर। अभी तो क्या शुरुआत ही है इन लोगों की, ऐसे करके ये बढ़ते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो फिर हम लोग भी, हमको भी मजबूरन ये मकान हमारे बेच बेच कर जाने पड़ जाएंगे। अभी ऑफ कैमरा आप हमारे को बता रहे थे कि आपको भी गाली दी गई है पार्षद के द्वारा, तो वो क्या पूरा मामला है? पार्षद के द्वारा, पार्षद का भतीजा है, उसने गाली दी है हमारे भाभी जी को, गालियाँ दी हैं, अभी आज इनको दी है, कल को हमको भी मिलेंगी ये गालियाँ। तो यहाँ ये थोड़ा चलेगा, ऐसा माहौल थोड़ा चलेगा गाली गलोच का कि भाई आपसरी में गाली गलोच करना, ये करना, ऐसी कोई वही नहीं है कि गालियाँ सुने हम गालियाँ क्यों सुनेंगे। चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने एक बयान दिया था, उनका बयान था कि जो यहाँ के पार्षद है वो यहाँ के स्थानीय निवासियों को धमकी दे रहे हैं कि हम आपको मुकदमों के अंदर मतलब फंसा दूंगा, आपको अंदर करवा दूंगा, वो क्या मामला है? वो क्या पार्षद है, सरकार उनकी है, MLA उनका, तो धमकी देते हैं, ठीक है अगर आप हमारे खिलाफ़ कुछ बोलोगे तो हम आपके केस लगा देंगे, बोले देंगे सरकार हमारी है, तो धमकी दे ही रहना। हम तो सभी मौली वाले सब डरे हुए हैं, हम सारे इसी स्थिति में जब तुम मकान बेच रही नौबत ही आ रही है, सरकार इनकी है। कौन कौन से मुकदमों में फंसाने की आपको धमकी देते थे वो? और तीन चार मुकदमे आए उनका, भाई हम किसी मुकदमे में फंसा देंगे, हमारा तो सरकार हमारी, बस वो एक तो सरकार हमारी है, MLA हमारा, किसी मुकदमे में फंसा देंगे आपको, जीना आराम कर देंगे आपको। आगे आपने अपने जो किशनपोल के MLA हैं आपसे उनसे भी गुहार लगाई कि हमारी मदद करी जाए, आगे किसी से मिले आप? नहीं, अभी किसी ने मोहनलाल जी से मिले थे खाली, मोहनलाल जी इनकी बातचीत चल रही है, कागजी साहब बाहर थे, वो कल आए बाहर थे, अभी कागजी से मिले नहीं हमें तो। कांग्रेस के किसी बड़े नेता से आपकी मुलाकात हुई है अभी? नहीं, अभी किसी से नहीं हमारी। उसका रीज़न क्या है कि दो दिन घटना को बीत चुके हैं फिर भी आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो आपको आशा नहीं है कि
मेरे को कांग्रेस सरकार से मदद मिल जाएगी? हाँ, कांग्रेस सरकार से हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है, कांग्रेस सरकार से उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मोहनलाल जी से उन्होंने आश्वासन दे रखा है, उसको उनके बलबूते पे हम चल रहे हैं, मामले वो आश्वासन दे रखा हमको। और ये मकान लिए भी कितना टाइम हो गया और उनको यहाँ पे निवास करते हुए कितना समय हो गया? काफ़ी टाइम से, 100+ साल होंगे, काफ़ी टाइम से 100+ साल होंगे मेरे, 100 साल से, हाँ 100 साल, 100 साल के आसपास। प्रकाश जी ने जो आपके पड़ोसी हैं नए, अभी उनको अभी यहाँ कभी 10-11 दिन हुए हैं, 10 दिन पर 13 तारीख को आए हैं। 13 तारीख बाद में कोई विवाद हुआ आपके बीच में इनसे? गाली गलौज वगैरह होने मिला उस दिन, हुआ दूसरे दिन होना गाली गलौज वगैरह हुआ, काफ़ी हुआ, काफ़ी हुआ गाली। स्थानीय MLA आपके अमीन कागजी से भी मुलाकात हुई इस मामले में आपकी? अभी कोई मुलाकात नहीं, उनको हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि किशनपोल विधानसभा की जो जनता है वो आपसे आशा करती है, और ऐसा ये विवाद हुआ है तो उस पर आके हमारी सुध तो ले कि क्या कारण रहा, क्या बात रही, क्या उसमें विवाद हुआ, किस तरह से आपकी नाराज़गी है, तो वो जनता की सुध ले। इसीलिए हम ये निवेदन करना चाहते हैं, हमारे जन नेता, हमारे विधायक साहब किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के, कि वो आए और जनता की सुध लें। बहरहाल हमारे साथ में ये स्थानीय लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो यहाँ के स्थानीय MLA हैं अमीन कागजी, इनसे वो अभी तक मिलने नहीं आए हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेके भी BJP जो है वो काफ़ी संवेदनशील है इस मामले को लेके, और ध्रुवीकरण की अगर बात करें तो कांग्रेस और BJP अभी आमने सामने है। कांग्रेस BJP के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि स्थानीय जो पार्षद हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासियों को धमकी दे रहे हैं यहाँ से गलत झूठे मुकदमों में फंसाने की। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ अंकुर शर्मा, NavTej TV, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें NavTej TV, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है NavTej TV।